अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। मैं हूँ ज़ैनुल आबिदीन और आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। हमने आज का सफ़र शुरू किया है गुजरात से, डिस्ट्रिक्ट गुजरात यानी कि हमारा सिटी है लाला मूसा, और अभी हम पहुँचे हैं मानसेरा में। और ये है मेरी बेटी ज़िरवा ज़ैन। ज़िरवा बाय बाय करो, बाय बाय करो, ठीक है। और सुबह से हम 6 बजे के निकले हुए हैं, सफ़र कर रहे हैं। अभी तकरीबन अल्लाह आपका भला करे आलमोस्ट 11:30 पता नहीं 12 बज चुके हुए हैं, टाइम मैंने नहीं देखा। हमारे साथ बने रहिएगा, आज हमने बड़ी बड़ी अच्छी जगहों पे जाना है। दुआ कीजिएगा जो हमारा टारगेट है उधर हम पहुंच जाए उस। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, बाय बाय कर दो जी। हम पहुंच चुके हैं बालाकोट, बल्कि बालाकोट क्रॉस कर लिया है, ज़ारा ने कॉटन कैंडी लिया और ज़िरवा उससे छीन ली है। और हम किधर पहुंचे हैं ज़ारा? अभी हम बस शोगरान पहुंचने वाले हैं। ऑलमोस्ट हमने बालाकोट क्रॉस कर लिया हुआ है। हाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे सारा वाटर ही वाटर है और ये वेट है ना, ये वेट है ना वाटर, और बहुत ठंडा भी है, वाइट भी है। हाँ हर जगह पे पानी पानी है। तो इंशाल्लाह कुछ ही देर में पहुँचेंगे शोगरान, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह से टाटा बाय बाय, बाय बाय करो सर, बिल्कुल बाय बाय करो, बाय बाय, बाय बाय। वेलकम बैक जी, सजू जी वेलकम बैक कर दें, वेलकम वेलकम बैक। साद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको बोला था जो जो हमारे साथ रहेगा नज़ारे देखेगा बड़े मज़े के। तो अभी हम पहुंच चुके हुए हैं, कौन सी जगह ये? किवाई वाटरफॉल, किवाई वाटरफॉल पे पहुंच चुके हुए हैं। बालाकोट क्रॉस कर लिया हुआ है, शोगरान पहुँचने वाले हैं। ज़ारा ने बहुत सारी उल्टियाँ की हैं रस्ते में, तो उसको रेस्ट दिलाने के लिए हमने सोचा कि इस वाटरफॉल के ऊपर थोड़ी देर स्टे किया जाए फिर आगे चलेंगे। तो देख लें पीछे माशाल्लाह नज़ारे देखें, मज़े करें आप भी। जिस जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं फिर कह रहा हूँ जल्दी सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, जो करना करें। तो अब हम इधर इंजॉय करें, पकौड़े शकोड़े खा लें, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। आगे हम अगर शोगरान रुकें तो आपको उधर का व्यू करवाएँगे। अल्लाह हाफिज़। ले जी छली वाला भी है,
तो मेरा जरा छली ले लीजिए क्योंकि काफ़ी देर होगी कुछ नहीं खाया, तो इससे कि चलें थोड़ा सा निज़ाम बेहतर हो जाएगा। आप भी आएँ तो इधर ज़रूर छली लें, इधर के व्यू देखें, साथ साथ छलिए खाएँ। ये देखें भाई बैठ के खा भी रहे हैं और व्यू का नज़ारा भी बेहतरीन कर रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक जाम थी, हमारे भाई ने जो है ना फुल दौड़ के आके आगे लाइन तोड़ के तो आगे गाड़ी के पीछे लगा लिया, लेकिन काफ़ी हमने रास्ता जो है क्रॉस कर लिया। मे भी आगे चेक पोस्ट हो जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई है, चेकिंग कर रहे हैं आगे, क्योंकि मेरे ख्याल में हम कागान में एंटर हो गए, कागान के हदूद में KDA कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पर फुल चेकिंग करेगी, फिर उसके बाद जाने देगी। बिल्कुल जी, मेरा शक सही था, आगे देखें चेक पोस्ट है, चेकिंग हो रही है हर गाड़ी की, उसके बाद आगे जाने देंगे। ये जनाब ट्रैफिक रुकी हुई है, आगे प्रोटोकॉल है, आर्मी वालों का प्रोटोकॉल आया जनाब माशाल्लाह। जैसे ही आर्मी वाले गुजरे हैं साथ ही ट्रैफिक को भी बहाल कर दिया गया है। ये आगे आगे देख रहे हैं गाड़ी जा रही है, वो जमत लगे ना, वो आर्मी की गाड़ी है, बाकी पीछे सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सारी लोकल प्राइवेट गाड़ी है। ये जनाब लोहे वाला ब्रिज आ गया हुआ, यहाँ से एक वक्त में एक ही गाड़ी गुजर सकती है, आप देख रहे हैं सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही, अब इसको रुकना पड़ेगा, जब तक हम नहीं गुजरेंगे तब तक ये गाड़ी नहीं अंदर आएगी, वो रुकी है, हम गुजरे हैं तो अब ये चलेगी। ये एक और लोहे वाला ब्रिज आ गया हुआ है, एक टाइम में इधर सिर्फ और सिर्फ एक ही गाड़ी गुजर सकती है, उसके अलावा दूसरी जाए, दूसरी को बल्कि वेट ही करना है। आप ये देख सकते हैं, देखें गाड़ियों का रश है, उस साइड से गाड़ियां आ रही हैं, पहले वो गुजरेंगी तो फिर हमारी बारी आएगी, हम भी वेटिंग में लगे हुए। आप देख सकते हैं गाड़ी में जनाब मेरी दोनों बेटियां, ये ज़ेबा भी थाम लेके लेटी हुई है और ये आज भी सारा भी सोई हुई है और ज़ेबा जाग रही है, ये मुझे सता रही है। जी वो बाय बाय करो, बाय बाय करो, बाय बाय, बोलो बाबा, बोलो बाबा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से कागान में एंटर हो चुके हैं और हमारी एक गाड़ी भी काफ़ी पीछे है, उनको भी टाइम लगेगा, सफ़र बड़ा अच्छा जा रहा है, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, कुछ ही देर में इंशाल्लाह हम नारान पहुंच जाएंगे। ये इस टाइम आपको मैं कागान का बाज़ार दिखा रहा हूँ, आई थिंक सो के डिस्ट्रिक्ट है ये, क्योंकि हर जगह पे KDA कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी लिखा हुआ है, तो होप सो ये डिस्ट्रिक्ट ही होगा, तभी इतना ज़्यादा जो है ना यहाँ पे कागान का नाम हर जगह पे लिखा हुआ है। दोस्तों तकरीबन को 5 साल बाद आज मैं नारान जा रहा हूँ, तो नहीं 5 साल तो खैर मैंने ज़्यादा कह दिया, 3 साल बाद, 3 साल पहले ये डैम नहीं था, ये डैम अभी न्यू बना है और इसी के पीछे ना वो टनल बनी हुई है, टनल भी पहले नहीं थी, पहले पुराना रोड था, पुराना रोड इधर ऊपर से आता था, ठीक है, मैंने जिन्होंने पुराना रोड बंद कर दिया, ये न्यू रोड शुरू की है। मैं आपको डैम विजिट करवाता हूँ, उन्होंने स्पेशल लिखा हुआ इधर फोटोग्राफी और गाड़ी खड़ी करना मना है। ये आप देख सकते हैं सारा ना, ये डैम है, आगे चीनी सारे काम कर रहे थे, चाइनीज़ लोग जो हैं
मैंने देखा उधर मुसलसल अभी भी काम चल रहा है महल में, अभी इसका जो है ना इन प्रोसेस है, काम प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ। ये पानी स्टोर किया हुआ इन्होंने ढेर सारा, काफी बड़ा डैम है, काफी पानी से सेव हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह नरान में एंटर हो चुके हैं हम। अब नरान की हालत का नहीं पता कि आगे कितनी को गाड़ियां एंटर हो रही हैं, रश है कि नहीं है, तो लेट्स सी। अभी ज़रा हम काफ़ी आगे जाना है, फिर नरान का बाज़ार स्टार्ट होगा तो फिर उसके बारे में भी आपको दिखाऊंगा। और अब दोबारा से बोलिए, वीडियो बननी शुरू हुई है। अब हम ज़रा नरान एंटर हो गए हुए हैं अभी हम जाएंगे नरान बाजार में, वहाँ पे जाके हमने खाना खाना है। हाँ जी। भूख लगी हुई है आपको? नहीं। है? नहीं नहीं, चलो मुझे तो लगी हुई है ना, हमने तो खाना ना खाना, ठीक है। ले जी दोस्तों, देखें नरान की आबादी शुरू हो चुकी हुई है, ये आप देखें कितना रश है। और माशाल्लाह हमारे इलाके भी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, बस हमारी अगर आवाम को समझ आ जाए और यहाँ पे गंद ना डाले, हमें स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत ही नहीं है। ये पठान शायद गालियां निकालते हुए जा रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं, समझ नहीं है, चले गए हैं बेचारे। रोड ने हिला के रख दिया हुआ है, अंजर पंजर हिल गए हुए हैं। जैसे ही हम मोटरवे से उतरे हैं नरान तक की रोड जो है ना बहुत डेंजरस, बहुत खतरनाक, खतरनाक समराद यानी कि टूट भज बहुत ज्यादा। नहीं जी, वेलकम टू नरान, वेलकम करते हैं जी आपको नरान में। व्यू देखें कितना बेहतरीन। ले जी जारा को लेने लगा हूँ, जारा मुझे कब से कह रही है। हेलो जारा। हेलो, आज हम इधर से खाना खाएंगे और मेरी फ्रेंड्स से भी मीट करेंगे। और आपके फ्रेंड्स का नेम क्या है? हीरा। हीरा? अच्छा अच्छा, हीरा से मिलवाएंगी सबको? हाँ जी। सही, वो इतनी अच्छी फ्रेंड है, वो मेरी गाली कोई नहीं निकालती, बस वो ऐसे ही। इस वक्त हम नरान बाजार एंटर हो चुके हैं। उस्मान भाई जरा वाइपर तो चलाएं पानी मार के। ये सारा नरान बाजार है, साइड पे शॉप्स हैं, होटल है, खाने पीने की चीजें। और हमने अब जाना है, ये पाक पंजाब टिक्का हाउस आ गया, पता नहीं इधर जाना है या किधर जाना है। अभी हम देख रहे हैं कि जी पंजाब फूड्स पे जाया जाए या पाक पंजाब पे जाया जाए। ग्लासेस आपके पास है? अच्छा अच्छा, इधर इधर खड़े हो, इधर खड़े हो, इधर जी। जरा बताएं हम इधर, कोई बात नहीं, थम साहब बताएं हम किधर आए हैं। जरा या कहाँ है आप? नरान में आए हो? वेरी गुड। हाँ जी, पंजाब टिक्का हाउस पे खाना खाने आई बेबी। हाँ जी, पंजाब टिक्का हाउस पे आज पंजाब टिक्का हाउस चुके हैं। वैसे तो इधर काफ़ी ज़्यादा होटल हैं और पंजाब टिक्का के नाम से, पंजाब होटल के नाम से भी काफ़ी होटल हैं, जैसे कि पाक पंजाब होटल, न्यू पंजाब होटल, लेकिन ये इनका पुराना और मशहूर है पंजाब टिक्का हाउस, ठीक है। तो आज हम इधर ही आए हैं, इनका खाना हम पहले भी कई दफ़ा खा चुके हैं, काफ़ी टेस्टी है। आप भी जब आएँ तो इनका टेस्ट कीजिएगा, मज़ा आएगा।
अल्हम्दुलिल्लाह जनाब नरान पहुंच गए हैं, खाना खा चुके हैं और अब ये हालत है कि जैसे ही खाना खाया ना दिल कर रहा है कि रेस्ट करें, लेकिन यहाँ पे इतना को रश है कि मेन रोड पे तो छोड़ दें, बैक साइड वाला जो रोड है ना नरान का जो बाईपास को जाता है, हमें उधर भी कमरे नहीं मिल रहे। हम इतने फिर आए होटल के, जिस होटल में जाते हैं रिसेप्शन पे भाई रूम है नहीं है, रूम है नहीं है। अब हमने फैसला ये किया कि बटा कुंडी जाते हैं, उधर जाके देखते हैं जनाब उधर हमें रूम मिलता है। बिल आखिर फिर टूर के थक हार के हमें कमरे मिल ही गए हैं, बिल आखिर हमें कमरे मिल ही गए हैं। एक ये कमरा मिल गया और साजिद भाई बैठे हैं बाहर टेबल लॉन्च में टेरेस में, एक कमरा हमें ये मिला और एक कमरा ये है। इसी के साथ इसका ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी ठीक है साफ सुथरा। और ये आ गया मैं, आज जितना हम फिरे हैं ना कमरे लेने के लिए हमें रूम बिल्कुल नहीं थे मिल रहे, इतना को फिरे हैं कि टांगों में इंतहा का दर्द। एक तो सुबह सफर के हम थके आ रहे हुए और बाद में जब रूम नहीं मिल रहे थे तो हमारी बस हो गई हुई थी, लम निकल गई हुई थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह रूम मिले हैं, अच्छे मिले हैं, महंगे तो मिले हैं लेकिन अच्छे मिले हैं। फ्री रूम हमें ये वाला 10,000 रुपये का मिला है, ठीक है। तो तीन तीन चार चार हज़ार वाले रूम भी मिल रहे थे लेकिन वहाँ एंटर होते दिल कर रहा था कि वापस भाग गए। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।